नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। इस बार हम हिंदी विषय में वीडियो देखेंगे। आप सब ने हिंदी भाषा को कहीं ना कहीं सुना ही होगा, और आप कार्टून देखते हो, वो भी तो हिंदी में ही आती है, ठीक है? तो हमारे लिए यह नई भाषा सीखना आसान होगा और हमें मज़ा भी आएगा। बच्चों, आपको पता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जो पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है। आज हम हिंदी में स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे। वर्णमाला में स्वर पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उसे स्वर कहते हैं। तो आइए देखते हैं स्वर। अ, आ, ई, ई, उ, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, अम और अह। बच्चों, इस तरह से 13 स्वर होते हैं। तो बच्चों, अब हम स्वर बोलेंगे। पहले मैं स्वर बोलूँगी, उसके बाद आपको बोलना है, ठीक है? तो हम बोलना शुरू करते हैं। अ, अ, आ, आ, ई, 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 उ, 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 रु, रु, ए, ए, ऐ, ऐ, ओ, ओ, औ, औ, अम, अम, अह, अह। अरे वाह बच्चों, आपने तो बहुत अच्छी तरह स्वर बोले। अब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। जिस तरह गुजराती में व्यंजन होते हैं, उसी तरह हिंदी में भी व्यंजन आते हैं। जिस वर्णों का उच्चारण करते हुए हमारे वायुमुख के किसी भाग से टकराकर, जैसे कि होंठ, दांत आदि बाहर आती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब हम व्यंजन देखेंगे। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, स, त, थ, द, ध, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, क्ष, त्र, ग्न, श्र। बच्चों, ये सारे व्यंजन हैं। अब आप सबको मेरे बाद व्यंजन बोलना है, ठीक है? तो हम व्यंजन बोलेंगे। क, क, ख, ख, ग, ग, घ, घ, च, च, छ, छ, ज, 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 ट, ट, थ, थ, ड, ड, ध, ध, अण, अण, त, त, थ, थ, द, द, ध, ध, न, न, पा,
फ फ ब ब भ भ म म य य र र ल ल व व स स स स स स ह ह क्ष क्ष त्र त्र ग्न ग्न श्र श्र। अरे वाह, आप सब ने व्यंजन भी बहुत अच्छी तरह बोले। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहिए और अपने हाथों को सैनिटाइजर करना मत भूलिए। आप अपना और अपने परिवारों का ध्यान रखिए। गुड बाय बच्चों।